Assalamualaikum जी, दिस इज द हॉस्टल ऑफ एंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। ओके, जा रहे हैं अब हम लोग, अंदर से भी आपको हॉस्टल दिखाते हैं। पहले बाहर से पूरी बिल्डिंग दिखा दें से। तो can I ask one question? Yes, why not? What is your aim for visiting? Yes, I am student. You are student? Yes. Medical student? Yes, second course. Really? Yeah. You will study here? Yes, I will study here. Oh, it's cool. Thank you, bro. तो ये सारा एरिया हॉस्टल का है। ये एक बिल्डिंग ये हो गई, एक पीछे, एक वो, एक ये हॉस्टल्स हैं, ये स्पोर्ट्स हॉल्स हैं। कंप्लीट हॉस्टल एरिया है ये। इनमें जो इन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की बिल्डिंग अलाट की है, उसका अंदर से चल के भी विजिट करवाते हैं रूम्स का। कंप्लीट सारा हॉस्टल एरिया। ये बिल्डिंग हॉस्टल की जो है न्यू ही बिल्ड की है इन्होंने, ये पाकिस्तानियों के लिए अलॉट की है इन्होंने। इनके अंदर से रूम्स चल के दिखाते हैं जो बिल्कुल न्यू बने हुए हैं, साफ सुथरे रूम्स हैं, बिल्कुल सिक्योर एरिया है। यूनिवर्सिटी की अपनी सिक्योरिटी बाहर है, आप लोगों ने गेट वगैरह देखा है, और टोटल एरिया या हॉस्टल्स का इसके दो गेट्स हैं, एक वो फ्रंट वाली साइड से भी गेट है, एक ये गेट भी है। एंडीजान का बहुत खर्चा ये हॉस्टल है। ये ऐसे हर फ्लोर पे जो है इन्होंने बनाए हुए इस तरह से रूम्स हैं। बिल्कुल साफ सुथरे इनके हॉस्टल्स बने हुए। ये रूम्स हैं हॉस्टल्स के, इस तरह से रूम्स हैं। ये टू बेड रूम है, टू बेड का रूम है। ये कबर्ड, ये थ्री बेड वाला रूम है। ये लॉन्ड्री रूम है।
एक ये मशीन लगी हुई है नीचे आ गया फिर नीचे आ ये भी लॉन्ड्री रूम है। इसी तरह हर फ्लोर पे एक एक लॉन्ड्री रूम है। ठीक है जी। ये एक फ्लोर है, इसी तरह एक ऊपर है एक नीचे। गर्ल्स का जो फ्लोर है वो सबसे नीचे वाला होगा और कमरों का सेटअप सबका सेम है। बॉयज के ऊपर वाले फ्लोर है। ये अब जिस तरह निचले फ्लोर पे आए हैं, ये भी लॉन्ड्री रूम है। ठीक, ये लॉन्ड्री रूम है। उसी तरह से ये फ्लोर, ये किचन है जी, ये फ्रिज। हर फ्लोर पे ऐसे एक किचन, दो चूल्हे दादा खर्शो और ओवन हर फ्लोर पे इसी तरह खर्शो इसी तरह ये किचन हर फ्लोर पे है और हर फ्लोर पे टीवी लॉन्च है। और इस तरह से हर फ्लोर ये वॉशरूम्स हैं। तो ऐसे किसी भी रूम में एंटर होते हैं तो ये वाला जो रूम है ये दो बंदों का रूम है, ये तीन के, ठीक है। और पांच बंदों के लिए ये एक साइड पे बेसन, वॉशरूम, बाथरूम, शाशा और इस तरह भी इसी साइड पे भी इसी तरह बेसन, टू बेडरूम, बेडरूम फॉर टू पर्सन एंड दिस इज अ बेडरूम फॉर थ्री पर्सन। बिल्कुल न्यू हॉस्टल बने हुए इनके, साफ सुथरे। ये हॉस्टल के अंदर ही मीटिंग हॉल है, लेक्चर रूम है, डाइस पूरा। इस तरह से ना ये हॉस्टल की लाइब्रेरी है। ओके, रीडिंग हॉल है हॉस्टल का। ये हॉस्टल का रीडिंग हॉल है, जो पढ़ना चाहता है इजीली यहाँ आके बैठे पढ़े। ये हॉस्टल का कंप्यूटर रूम होगा, यहाँ कंप्यूटर्स वगैरह होंगे। और हॉस्टल में हर रूम में वाईफाई, हर सहूलत है। एंट्रेंस में ना, बिल्कुल हॉस्टल की एंट्रेंस में हर रूम के साथ भी अटैच वॉशरूम है और ये अलग से भी बने हुए हैं। ये जेंट्स का, ठीक है जी। ये जो है ये गर्ल्स के लिए है, जेंट्स के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। ये फर्स्ट फ्लोर पे जो है ये बने हुए हैं सेपरेट और अटैच भी साथ ही है, ठीक है। और हर रूम के साथ जो है ना अलग अलग वॉशरूम है। जो है ये मेस हॉल है, फर्स्ट फ्लोर पे सब का जो है ना ये मेस हॉल है, ठीक है जी। एंट्रेंस यानी के वेटिंग एरिया है, यहाँ से जो है हॉस्टल शुरू होते हैं। ये वेटिंग, ये जो है ये बैक साइड हॉस्टल की गार्डन एरिया है। ये हॉस्टल का ये एरिया, एक ये ग्राउंड है खेलने के लिए, ठीक है। एक जो है वो ये ग्राउंड है जी। ये एंट्रेंस है हॉस्टल की, ये हॉस्टल बिल्डिंग्स, वो आगे सारी हॉस्टल बिल्डिंग्स, ये ग्राउंड्स, ये भी ग्राउंड, सबसे बड़ा हॉस्टल एरिया यहाँ पे एंडीजान का।
ये जो है ये एंडीजान का हॉस्पिटल है, सिर्फ गायनी का। ठीक है जी, ये टोटल ये सारी बिल्डिंग्स, ये और ये बिल्कुल ये हॉस्टल के सामने है। ठीक है, ये गायनी का हॉस्पिटल है। इसी तरह स्टेट के सारे हॉस्पिटल जो हैं, इनके एफिलिएशन स्टेट यूनिवर्सिटी से होती हैं, एंडीजान से।